जी नाजिम, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है सैमसन डैनियल गिल, और ये क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं और तकरीबन अरसा 6 साल से एक वकालत से मुंसलिक है, और बहुत ही क्रिस्टल लॉज के अंदर काफ़ी मशहूर भी हैं और अपनी खिदमात भी मुख्तलिफ सेक्टर्स में अंजाम में दे रहे हैं। जी सैमसन साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मैम, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं आज अपनी कानूनी राय आपके सामने रख सकूं। आज जो हम सैमसन साहब के साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अरेस्ट और रिमांड, और मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को अरेस्ट भी किया जाता है और रिमांड भी लिया जाता है, लेकिन इसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर है लीगली, और अगर इसमें कोई भी कानूनी बाकायदगी नहीं है या उसमें कुछ भी रुकावट है या इनरेगुलरिटी है तो उसको कैसे दूर किया जाता है, तो इसको जानने के लिए जरूरी है कि आप इस इंफॉर्मेशन से ऑलरेडी वाकिफ हो। जी सैमसन साहब, जैसे मैंने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है अरेस्ट और रिमांड, जी सैमसन साहब बताइएगा अरेस्ट और रिमांड क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताइएगा और इसका क्या है, क्या लीगली इसको डिफाइन किया जाता है। जी मैं सबसे पहले अरेस्ट पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अरेस्ट है क्या। जब कोई भी ऐसा काबिल दस्त अंदाजी जुर्म सरजद होता है किसी जगह पे या कोई कमिट करता है तो पुलिस ऑफिसर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है सेक्शन 54 सीआरपीसी जिसे जाप्ता फौजदारी कहते हैं उसके तहत उस मुजरिम को, उस कन्विक्ट को या जिसके ऊपर इल्जाम है उसको गिरफ्तार करना जरूरी होता है ताकि मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके, और इसी के लिए जो अरेस्ट किया जाता है और फिर इसका जो फर्दर प्रोसीजर होता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए किसी भी जो भी अक्यूज है जो गिरफ्तार हुआ उसको उसका रिमांड लिया जाता है। जी सैमसन, हमें बताइए अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, अगर कोई इंसान या किसी को भी किसी भी जुर्म के अंदर पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो किन किन जराइम के अंदर गिरफ्तार कर सकती है और अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर है कि वो उसको ये नुक्ते को नजर रखना या इस लीगैलिटी को नजर रख के मद्देनजर रख के फिर उसको गिरफ्तार कर सकती है, ताकि नाजरीन को पता हो कि अगर खुदा न खासा कभी इस तरह का वाक्या उनके फैमिली में या उनके जाने वालों के साथ पेश आ जाए तो उन्होंने क्या चीजों को मद्देनजर रखना है कि ये लीगली अरेस्ट किया गया या इनलीगली अरेस्ट किया गया। जी किसी भी बंदे को जो भी बंदा जो कन्विक्ट होता है या जिसको अरेस्ट किया जाता है जिसके ऊपर इल्जाम होता है सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसके अगेंस्ट जुर्म क्या हुआ है, किस जुर्म के अगेंस्ट उसे गिरफ्तार किया गया है। पहले नंबर पे देखना होगा कि क्या वो काबिले दस्तंदाजी जुर्म था या नाकाबिले दस्तंदाजी जुर्म था, कॉग्निजेबल था या नॉन कॉग्निजेबल था। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है जिसे काबिले दस्तंदाजी जुर्म कहते हैं तो गिरफ्तारी लीगल होगी, अगर नाकाबिले दस्तंदाजी में किया गया है उसके लिए वारंट रिक्वायर्ड होता है तो फिर वो जो गिरफ्तारी है वो इलीगल कंसिडर की जाएगी। अब अमूमन एक जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि थाने में गिरफ्तार करके ले जाते हैं और गिरफ्तारी नहीं डाली जाती और काफी काफी अरसा वो जो अक्यूज है उसको थाने में रहना पड़ता है और बाद में अंडर द टेबल सेटलमेंट करके वहां से आना पड़ता है। तो उसके लिए लॉ क्या कहता है, उसके लिए लॉ ये है कि सेक्शन 60 और 61 सीआरपीसी जाप्ता फौजदारी कहता है कि अगर कोई भी बंदा गिरफ्तार होगा तो विद इन 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है, आपने बता दिए दो डिफरेंट कर दिया कि उसको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, अब वारंट का भी आपने बता दिया, अगर इन केस एक लीगल वो है गिरफ्तारी है या अरेस्ट है लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वहां पे रेड करता है और उसके पास वारंट नहीं है, अरेस्ट वारंट नहीं है, तो फिर इस शक्ल में हम उसको क्या कहेंगे कि ये इलीगल है या लीगल है? इसे हम इलीगल कहेंगे, इरेगुलरिटी कहीं पे भी आ जाएगी वो इलीगल के जिम्मे में ही आएगी। अच्छा, तो उसके लिए वारंट जो है वो कौन इशू करता है, क्या पुलिस को अपने हाई ऑफिसर से अथॉरिटी मिलती है या उनसे परमिशन मिलती है या मजिस्ट्रेट से मिलती है? जी इसमें पहले था कि सिर्फ मजिस्ट्रेट उसे परमिट करता था, अभी उन्होंने एसपी के पास ये पावर दे दी है कि एसपी उसे अलाउ कर सकता है कि वो अरेस्ट कर ले।
चलें ठीक है। अच्छा, अगर इसमें इस सूरत में देखा जाए कि अक्यूज्ड पर्सन जो है जिसको अरेस्ट करना है वो एक फीमेल हो तो फिर क्या किया जाएगा? फीमेल्स के लिए थोड़ी लिवरेज है, सुबह 6 बजे से पहले किसी भी फीमेल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सूरज तुलू होने के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यानी सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने के बाद फीमेल की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और फीमेल की गिरफ्तारी के लिए सिर्फ फीमेल ही उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए लेडी पुलिस ही उसे गिरफ्तार करेगी। और अगर इन केस अगर वो फीमेल गिरफ्तार कर ली जाती है तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन है थाने के अंदर? जी मैं बताता हूँ, लाहौर में 2 वुमेन पुलिस स्टेशन हैं विद इन लाहौर। तो अगर कोई भी ऐसी वुमेन जो अरेस्ट होती है क्योंकि मेल उसे वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता तो फीमेल पुलिस को रेफर कर दिया जाता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और अगर रात का टाइम हो गया उसके ट्रांजिशन में तो फिर भी वो उसे फीमेल पुलिस स्टेशन में ही अरेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब एक पर्सन की गिरफ्तारी हो गई फीमेल या मेल की, एक अलग हमारे पास आजकल जराइम जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो बच्चे भी जराइम में शामिल होते जा रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ है लॉ डिफाइन किया गया हुआ? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में अगर हम देखते हैं तो अभी तक हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। फीमेल्स को उन्होंने अलहदा कर दिया, मेल्स को अलहदा कर दिया। तो बच्चों के लिए ये होता है कि अगर उनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स में ही रखना मजबूरी है और नहीं रख सकते, इनकेस अगर कोई भी बच्चा है या जो भी 18 साल से कम है अगर वो गिरफ्तार होगा तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में से भेज सकते हैं। अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में वो नहीं भेज सकते या कोई ऐसी हर्डल थी बीच में, ऑब्स्टेकल थी, रुकावट थी, ना हो सके तो फिर अगर उसी लॉकअप में उसे बंद करना है तो फिर उसके लिए अलहदा से एक पर्दा लगाया जाएगा और उस बच्चे को अलहदा रखा जाएगा। अच्छा, आपने गिरफ्तारी हो गई, हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया मेल की गिरफ्तारी का तरीकाकार ये है, फीमेल की तरीकाकार ये है, और अगर इन केस एक बच्चा या माइनर अरेस्ट हो जाता है तो उसका तरीकाकार ये है। अब मुझे बताइए कि रिमांड क्या, रिमांड का क्या तरीकाकार है और इसकी क्या एग्जाम्स है? थैंक यू। रिमांड देखिए सबसे पहले है क्या, हमें देखने की जरूरत है कि रिमांड होता क्या है। तो रिमांड सबसे पहले ये है कि किसी भी मुलजम का जिसके ऊपर इल्जाम है उसका किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सुपुर्द किया जाना या उसको उसकी हवालगी जो है वो रिमांड कहलाती है। अब रिमांड की भी 3 किस्में है, फिजिकल रिमांड होता है, जुडिशल रिमांड होता है और ट्रांजिट रिमांड होता है। अब उनके बारे में मुझे तीनों को जो आपने एग्जाम बताई है, फिजिकल है, ट्रांजिट है और जुडिशियल है, आप इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करके बताएं ताकि वो पता हो, क्योंकि हम फिजिकल रिमांड के बारे में तो बहुत ज्यादा सुना है तो वो उसका तरीकाकार जो आम फहम समझा जाता है कि अब इसको मारा पीटा जाएगा, तो क्या ये एक जो लीगली है उसका प्रोस्पेक्ट क्या है कि वो मारपीट नहीं होती, क्या उसको क्या डिफाइन क्या करता है लॉ? जी सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक माशरे में रहते हुए हमें ये पता है कि अगर फिजिकल रिमांड मिल गया बस अब पिटाई पड़ होनी होनी, तो ये नहीं है। कानून इसकी कतन इजाजत नहीं देता, मारने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। होता ही है या होना ये चाहिए जो लॉ कहता है फिजिकल रिमांड। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, और किसी भी बंदे से कोई चीज रिकवर करने के लिए पुलिस ऑफिसर रिमांड तलब करता है। और जब एक जज एक पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को रिमांड देता है तो वो फिजिकल रिमांड होता है, और फिजिकल रिमांड से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता और मैक्सिमम 14 दिन के बाद रिमांड होता भी नहीं फिजिकल। तो फिजिकल रिमांड में वो सिर्फ उसे अपने पास फिजिकली रख सकता है, पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मार नहीं सकता। हाँ, अगर इन केस अगर कोई मारता है पुलिस ऑफिसर या जिसको पता चल जाए या इस हमारे मुल्जम को मारा गया है तो उसका मेडिकल करवा के उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट हम एप्लीकेशन में जाके उसके अगेंस्ट पर्चा कटवा सकते हैं। ठीक है, आगे जुडिशियल रिमांड। जी, जुडिशियल रिमांड ऐसा रिमांड होता है जिसमें किसी भी बंदे से कोई चीज बरामद करवाना मकसूद ना हो, कोई ऐसी चीज जो रिकवर हो चुकी हो और फिर फर्दर उसकी जो थाने में उसकी जरूरत ना हो तो उसको जुडिशियल लॉकअप में बंद करवाया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। ऐसे रिमांड को जुडिशियल रिमांड कहते हैं। और तीसरा जो है ट्रांजिट रिमांड है, ऐसा रिमांड अगर एक मुलजिम जो किसी मुकदमे में मतलूब था किसी और शहर में पकड़ा गया
तो ऐसा मुलजिम जो है उसको मुतलका थाने और मुतलका अदालत की हदूद तक पहुंचाने के लिए जो रिमांड रिक्वायर्ड होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं, जिसे आम जुबान में राहदारी रिमांड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये रिमांड की पावर जो है, यानी मजिस्ट्रेट की क्या पावर है इसके अंदर, रिमांड के अंदर? जी, जब कोई भी मजिस्ट्रेट है उसको सेक्शन 167 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी जो है वो उसको एम्पावर करता है कि वो उसकी पावर्स देता है उसे, कि भी वो रिमांड दे सकता है, ग्रांट कर सकता है, टर्न डाउन कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है, या फिर वो जुडिशियल कर सकता है। मतलब रिमांड देना या ना देना ये मजिस्ट्रेट की पावर है। और अगर रिमांड का लॉ क्या है कि जब भी रिमांड दिया जाएगा मुलजम सामने सामने होगा और उसके सामने उसकी रीजंस बताई जाएंगी रिमांड देने की, और उस रिमांड को उसका वकील जो है वो उसे अपोज कर सकता है। नहीं समझिए आप, जैसे हम ये चीजें तो हो गई, अब हमने बता दिया ये सारा लीगल प्रोसीजर था। एक अरेस्ट के टाइम पे हमने एक डिस्कशन की थी कि इनलीगल डिटेंशन जो है, यानी उनको अरेस्ट करके उसकी गिरफ्तारी डाली नहीं गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ना ही उसका रिमांड लिया गया, तो उस सूरत में क्या तरीकाकार अपनाया जाता है? जी देखिए, इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि गिरफ्तारी उसकी डाली गई या नहीं डाली गई, और इसकी सबसे ज्यादा पहचान हमें कहाँ से होती है कि अगर एक बंदा जब गिरफ्तार हुआ तो विद इन 24 आवर्स उसने मजिस्ट्रेट के सामने पेश लाजमी होना था, और अगर नहीं करवाया इसका मतलब अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं पड़ी। तो फिर फैमिली क्या कर सकती है? फैमिली किसी भी वकील से रजू कर सकती है, हेबियस में जा सकते हैं, और हेबियस में होता यह है कि अदालत की तरफ से एक नुमाइंदा मुकर्रर होता है, वो आपके साथ जाता है कोर्ट ऑर्डर्स के साथ, उस बंदे को वहां से थाने से लिया जाता है, थाने का रोजनामचा पकड़ा जाता है, एफआईआर का रजिस्टर पकड़ा जाता है, उस बंदे को जहां पे भी डिटेन करके रखा हो पुलिस ने, और फिर उसको वहां से बाजियाब करवाया जाता है। और वही बात, अगर कोर्ट का टाइम गुजर चुका, कोर्ट का टाइम नहीं है मजीद, तो फिर उसको मुतलका थाने की बजाय किसी और थाने की हदूद में बंद करवा के नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अच्छा, इन केस एक पर्सन है जो कि लाहौर से पुलिस उसको ले जाती है, उसके थाने का हमें कंफर्म नहीं होता, फिर हमें पता चलता है कि नेक्स्ट डे पे कि वो किसी और सिटी के अंदर है, तो उस सूरत में क्या लीगल प्रोसीजर है? लीगल प्रोसीजर तो यही होगा कि अगर कोई बंदा किसी और शहर में उसका मुकदमा था, किसी और जगह पे अरेस्ट हो गया, इसका मतलब यह है कि वो या तो एब्सकॉन्डर है, पीओ है, या फिर वो मतलूब किसी इंतहाई संगीन मुकदमे में मतलूब था और उसका आईडी कार्ड जो है वो पुलिस के पास है, फिर भी पुलिस ट्रांजिट रिमांड के बगैर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तार करके उसका राहदारी रिमांड लिया जाएगा, फिर मुतलका थाने में जहां का वो मुजरिम है वहां तक पहुंचाया जाएगा, परमिशन ली जाएगी। और इन केस अगर वो नहीं परमिशन ली गई तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हैबियस जो है वो कंसर्निंग सेशन कोर्ट में फाइल होगी या किसी और कोर्ट में फाइल होगी? देखिए, जब एक डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो फिर हमें हाई कोर्ट जाना होगा, क्योंकि एक सेशन जज की जो पावर्स है वो उस डिस्ट्रिक्ट तक महदूद होती है। यानी वो आप यहाँ पे हम अपने नाजरीन को डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि अगर आपकी सिटी के अंदर ही किसी पर्सन की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने उसको अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया कि उस बंदे की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस सूरत में हम हैबियस जो है उसी शहर की सेशन कोर्ट में फाइल करेंगे, और इन केस अगर दूसरे किसी शहर के थाने में हुआ या पुलिस ले गई है उसको और उसकी जो है हमें अभी तक इत्तला नहीं आई कि किस जुर्म में उसको पकड़ा गया है, तो फिर उसकी सूरत में हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा हैबियस फाइल करने के लिए। और मैं यहाँ पे एक आपको चीज जो है वो बताना चाहूंगी कि अरेस्ट करते वक्त पुलिस का ये एक जिम्मेदारी है कि अब उसकी फैमिली को इत्तला करे कि वो किस जुर्म में और किस थाने में बंद है और क्या उसकी ऑफेंस है, ताकि उसकी फैमिली इस चीज से प्रॉपर तरीके से आगाह हो। तो सैमसन साहब, मैं जाते जाते एक आपसे थैंक यू भी करूंगी, साथ साथ आप कुछ आपके काम के सिलसिले में आपने मेरे से डिस्कस किया था कि कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं नाजरीन को, तो काइंडली वो भी दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया मैम, मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे आपने मौका दिया कि मैं सब दोस्तों के साथ आपके पास आ सका, और हम लोग, मैं और मेरी टीम, हम लोगों ने एक लीगल फर्स्ट एड के नाम से, जैसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, मकसद किसी को डॉक्टर तो नहीं बनाया जाता उसमें, लेकिन ये पता होता है कि उस मेडिकल इमरजेंसी में क्या करना था। इसी तौर से जब लीगल इमरजेंसी फैमिली में कोई आ जाए, हमें अक्सर नहीं पता होता कि हमें करना क्या था,
तो उन सारी सिचुएशंस में सिनेरियोस में क्या करना है, पुलिस की पावर्स क्या होंगी, पुलिस अरेस्ट कैसे कर सकती थी, सिविल क्रिमिनल केस का फर्क क्या होता है, प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए थे, एज अ माइनॉरिटी क्या क्या रेमेडीज हमारे पास, क्या क्या राइट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। प्रेजेंटेशन पे हम काम कर चुके, तो अभी बस डिफरेंट चर्चेज में, यूथ में और डिफरेंट स्कूल्स में जाके हम चाह रहे हैं इस पे काम करें। थैंक यू सैमसन, मैं आपके आईडिया को अप्रिशिएट करती हूँ और मेरे ख्याल में नेशनल टीवी भी इसी अजम को लेकर चला हुआ है और अपने देखने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, उनको भी इसी तरह लीगल जो एड है वो प्रोवाइड करता है, ये कानून का कहता है प्रोग्राम के जरिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका अजम है इसके थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस ऑलरेडी पहुंचाएंगे और मैं इस पे क्रेडिट नहीं लेती, लेकिन मैं भी जो अभी काम कर रही हूँ मुख्तलिफ चैनल्स के साथ या मुख्तलिफ इदारों के साथ, हमारा भी यही पर्पस है कि आप जुर्म को होने से पहले रोका जा सकता है, प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं और साथ साथ अवेयरनेस होगी तो वो संगीनी से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को ये प्रोग्राम जो है इसी तरीके से मदद फराहम कर रहा है कि ताकि वो जुर्म को एक तो होने ना दे, अगर हो जाए खुदा ना खास्ता तो उस सूरत में वो किस तरह के इकदाम करके अपने आप को किसी भी मुश्किल से बचा सकते हैं और किस तरह लीगल जो है हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन इसी अल्फाज के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे शुक्रिया अदा करते हैं और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।